हे गाइस, वेलकम बैक। ये जो क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स के चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से गेट 2020 में आया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, ए सैंपल ऑफ 500 ग्राम ड्राई सेंड व्हेन पोर इनटू 2 लीटर कैपेसिटी सिलेंडर व्हिच इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। हमारे पास एक ड्राई सेंड है जिसका 500 ग्राम वेट है, उस सेंड को हमने 2 लीटर कैपेसिटी के सिलेंडर में पोर करना है। उस सिलेंडर में आधा पानी है क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। तो ये जो सेंड है ये पानी को 188 सेंटीमीटर क्यूब पानी को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन में लिखा है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेंड। सेंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो हम स्क्रीन की तरह चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लेना, वेट ऑफ ड्राई सेंड हमें प्रोवाइड किया है 500 ग्राम। सबसे पहले क्वेश्चन में बता रहा है कि एक ड्राई सेंड है जिसका वेट 500 ग्राम है, ठीक है, ये बात समझ आ गई यहाँ से। उसके बाद हमें इस सेंड को जिसका वेट 500 ग्राम है इसको एक सिलेंडर में पोर करना है जिसमें 1 लीटर पानी है। सिलेंडर की कैपेसिटी 2 है क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड है, इसलिए इसमें 1 लीटर पानी प्रेजेंट है। जब हम सेंड इस पानी में पोर करते हैं तो ये सेंड कितना पानी को डिस्प्लेस करता है, 188 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है। इसका मतलब क्या हुआ, सेंड ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की पानी में, तो वॉल्यूम ऑफ सेंड हुआ 188 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उतना वॉल्यूम सेंड ऑक्यूपाई करेगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो उसके बाद हमें फर्दर क्या क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेंड, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ सेंड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में, जो वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सारा काम है डेंसिटी ऑफ सेंड निकालना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, यहां से डेंसिटी निकालेंगे सेंड की। सेंड की डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम अपॉन सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है, 500 ग्राम दिया है, ठीक है, 500 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सेंड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सेंड अभी हमने कर लिया, निकाल लिया, यहाँ पे लिखूंगा मास, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सेंड हमने अभी निकाल लिया, वो कितना है, वो है 188 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हमें आएगा 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारी डेंसिटी आएगी किसकी, सेंड की, यहाँ पे लिखते हैं सेंड, ठीक है, ये डेंसिटी हुई सेंड की। अब यहाँ से डेंसिटी हमने फाइंड आउट कर ली, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे डेंसिटी ऑफ सेंड 2.65 डिवाइडेड बाय 1, तो वो कितना आएगा, 2.65 या 66 हम लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा देख लेना, एक बार क्वेश्चन समझ आ जाए। सो गाइस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, जो सेम ही चैप्टर से आया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल 2 मार्क्स का गेट 2020 में, 1 मार्क्स का सॉरी। सो क्वेश्चन को रीड करता हूँ, ए सॉइल हैज ड्राई यूनिट वेट ऑफ 15.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.65 एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ 72%, कंसिडरिंग द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। तो हमें यहाँ पे वाटर कंटेंट सॉइल का फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन में जितने भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई थी गिवन डाटा के फॉर्म में, वो मैंने सारा लिख लिया है। यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल 15.5 प्रोवाइड किया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 72%, यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमें फाइंड आउट करना है वाटर कंटेंट। ये सारे फॉर्मूले मैंने पहले बताए हुए हैं एक वीडियो में, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से देख लेना। तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पे वाटर कंटेंट को निकाल सकते हैं, एसी इक्वलन टू डब्ल्यू जी। यहाँ पे डब्ल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, डब्ल्यू इक्वलन टू एसई डिवाइड बाई जी। यहाँ पे वाटर कंटेंट हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये ई वाइड रेशियो पता नहीं है। स्पेसिफिक डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमें प्रोवाइड किया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में, ई को कैसे निकालेंगे। देखो ड्राई यूनिट वेट इसीलिए यहाँ पे प्रोवाइड किया है ताकि हम ई निकालेंगे। ड्राई यूनिट वेट इन द फॉर्म ऑफ 1+E मीन्स वाइड रेशियो के टर्म में ड्राई यूनिट वेट का एक फॉर्मूला है, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1+E। गामा डी हमें पता है,
स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्वेश्चन में दिया है 2.65, यूनिट वेट ऑफ वाटर भी 10 किलो न्यूटन प्रोवाइड किया है, ई इजीली निकाल सकते हैं, तो 15.5 इक्वलन टू 2.65 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। इसको जब हम सॉल्व करते हैं ई का हमारा ई जो ई का वैल्यू जो है वो हमें आता है 0.7096। ठीक है, तो ई हमने फाइंड आउट कर लिया, बस अब कुछ नहीं है, इस ई का वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पे। तो वाटर कंटेंट इक्वलन टू एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन वो हमें कितना प्रोवाइड किया है 72%, तो वो 0.72 हुआ। 0.72 इंटू ई हमने अभी फाइंड आउट कर लिया 0.7096, डिवाइड में जी है 2.65, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमें आंसर आ जाएगा 0.198। ठीक है, तो वाटर कंटेंट इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज के फॉर्म में कितना आएगा 19.28%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हमने आंसर फाइंड कर लिया है। अब जिस भी ऑप्शन में 19.28% है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, या आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ये लिखना है 19.28%। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, वीडियो को दोबारा देख लेना, एक बार अच्छे से समझ आएगा। तो होप गाइस आपको समझ आया होगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। सो नए वीडियो में कुछ नया और अच्छा लेके मिलते हैं आपके लिए। टिल देन यू टेक केयर।